हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हम लें इलेक्शन 3 साल 4 साल बाद, जुडिशरी जो उनसे है वो इसको पहचान लें कि द कंट्री इज नॉट गवर्नेबल एनीमोर। आज अगर गवर्नमेंट को आप बंद कर दें तो पाकिस्तान में तरक्की शुरू हो जाएगी। आर्टिकल 190 तमाम जो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट है दे कम टू असिस्टेंस ऑफ द जुडिशरी और एक काउंसिल बनाएं। काउंसिल में लोग सेलेक्ट करें, अपना टाइम लें, 12, 13, 14 जो उनसे हैं कोई कैबिनेट एक्सपर्ट्स का सिलेक्ट कर लें। आप कह रहे हैं वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर और अगर हम इस तरह अपने आप को फिक्स नहीं करें जी, एक नाइल आदमी कुछ 60 गाड़ियों के साथ जाकर वो ओवरवेम कर लेता है कोर्ट को और कोर्ट डेट पर डेट दे ही जा रही है और इस तरीके से हम चल रहे हैं। और अगर हम चलना चाहते हैं ऐसे तो ठीक है, अगर इसको जमहूरियत आप कहते हैं और समझते हैं कि ये जमहूरियत है और ये एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, आप इसको चलने दें। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो शायद ये पूरा का पूरा केस मिलिट्री कोर्ट को रिकमेंड कर दें। ये इस वक्त मेरे ख्याल में जुडिशरी के बस की बात नहीं है। जिस तरीके से चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, जिस तरीके से लोग खरीदे जा रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहा है कि जुडिशरी जो है मिलिट्री कोर्ट की तरफ रेफर कर सकती है केसेस को? मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन तो ज़रूर है कि इसको आप या तो उसको डील करें इसके साथ और अगर आप डील नहीं कर सकते तो हैंड इट ओवर द मिलिट्री। ये तो पार्लियामेंट ने खुद मिलिट्री कोर्ट बनाया, इसने मिलिट्री की रिक्वेस्ट नहीं थी, ये मिलिट्री रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन चूंकि खुद पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा तो मिलिट्री कोर्ट आप बना लें, तो ये केस भी आप मिलिट्री कोर्ट भेज दें। पूरे नेशनल इंटरेस्ट में है, खुला होगा, ओपन होगा और क्लियर हो जाएगा और विद इन आई थिंक मंथ दे विल क्लियर एवरीथिंग। सो व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि अगर प्रेशर्स हैं जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं उनके ऊपर और पॉलिटिशियंस के प्रेशर्स हैं और कहीं इधर उधर से प्रेशर्स आते हैं और डील नहीं कर सक रही जो अभी की जुडिशरी है, तो मियां नवाज शरीफ के केसेस हों या जो भी केसेस हों बाकी सब पॉलिटिशियंस के जो इसहाक डार के किसी के भी हों, उनको फिक्स करने के लिए, मतलब कि जल्द अज जल्द फिक्स करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को रेफर कर दिया जाए तो आपकी नज़र में बेहतर होगा? मैं समझता हूँ और उसमें बेशक आपने एक्सपर्टीज डाल दी उस पर वहाँ पर और ओपन ट्रायल हो, अपने ओपन ट्रायल खुला मिलिट्री कोर्ट ओपन ट्रायल नॉट इन कैमरा। अगर जुडिशरी समझती है दैट जस्टिस कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस तो फिर उसका कुछ हल निकालें या फिर मिलिट्री कोर्ट्स को दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है इकॉनमी की वो आपके सामने है, जितनी डोनर एजेंसीज हैं वो हमारा दरवाज़ा खटखटा रही हैं कि जनाब हमारे पैसे और किस तरीके से हमें पैसे वापस दिए जाएंगे। उसके अलावा सिक्योरिटी जो है वो आपके सामने है जनाब, कभी कहा जाता है जनाब के एक बॉर्डर पे इशू है, कभी कहा जाता है वेस्टर्न बॉर्डर पे इशू है, कभी ईस्टर्न बॉर्डर पे इशू है। इंटरनल सिक्योरिटी के हालात भी कहा जाता है कि जनाब को इतने अच्छे नहीं हैं। मुझे हल चाहिए इन सब चीज़ों का। मुझे कई लोगों से मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन मुझे हल नहीं मिला एंड आई एम श्योर, लेकिन आज मुझे हल ज़रूर मिलेगा। जनरल तारिक मेरे साथ मौजूद है। जनरल साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सॉल्यूशन क्या है? पहले तो इकॉनमी पे चलते हैं जी, इकॉनमी को सीधा करने का कोई सॉल्यूशन है या नहीं है जी? मुबशर, इसमें एक चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना तो वो शायद मुश्किल हो। अच्छा, इसलिए कि जिस तरीके से मुल्क चल रहा है अभी इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इकॉनमी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें जो मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इकॉनमी के ऊपर, लेकिन एक लेमैन हूँ थोड़ा सा जो हम सब पढ़ लिख लेते हैं कि बेसिस पर ही बेसिक चीज़ जो है हमारी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की डिफिसिट है उसमें 12 बिलियन का गैप है और उसका हमें कोई मनसूबा नज़र नहीं आ रहा कि उसको कैसे हम पूरा करेंगे। चलें कोई होगा मनसूबा, लोग कहते हैं सीपैक की वजह से मशीनरी अंदर आई है, कोई इंडस्ट्री की वजह से तो नहीं आई है। सीपैक की अगर बातचीत है तो वो तो हमें पब्लिक किया ही नहीं कि क्या हो रहा है सीपैक में, अंधेरे में सब कुछ, अंधेरे में हमें पता नहीं है, तो ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। और एज अ सिटीजन जो लोग हैं शहरी हैं पाकिस्तान के वो जानना चाहेंगे कि जी आप किस तरीके से ये 12 बिलियन को पूरा करेंगे, ये कैसे, क्यों इसको इतना कैमोफ्लाज करके रखा हुआ है सीपैक को? मुझे तो लगता है इसके अंदर
असल में सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। टैक्स रिफॉर्म्स या टैक्स जो हम करते हैं पार्लियामेंट के थ्रू नहीं होता, एक आदमी बैठकर वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये टैक्स होगा या वो। अभी आप अपने सेविंग्स अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसे डालें तो उसको आपको टैक्स लगा, ट्रांसफ़र करें तो टैक्स देना पड़ता है, या करंट से सेविंग में करेंगे तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो ये कहाँ की इंसानियत है ये, जिस तरीके से ये हो रहा है। नोटिसेज FBR निकाली जा रहा है, कोई बिजनेस जो मैंने बहुत लोगों से बातचीत की है वो कहते हैं कि जी 5-6 लाख तो हमारा वैसे ही बजट में आता है वकीलों को रखने में, इसलिए कि नोटिसेज आते हैं नाजायज नोटिसेज, उनको हम लड़ते लड़ते 5-6 लाख रुपए तो उधर हो जाता है। तो ये किस तरीके से हम इकोनॉमी ऐसे सीधे करेंगे? इकोनॉमी की बात नहीं है, पूरे मुल्क का एक निज़ाम है, एक तरीका है चलने का। गवर्नेंस का इशू है, गवर्नेंस का इशू तो है ही है। मैं इस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी पर बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में रहता तो हूँ और मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। आप जो जो गवर्नेंस सिस्टम अभी जो गवर्नेंस हो रही है, जिस तरीके से चल रहा है मुल्क, ये तो हम कलैप्स की तरफ जा रहे हैं। इस तरह ये नहीं चल सकता। इसका नाम जमहूरियत नहीं है, जो हम लेबल लगा रहे हैं कि जमहूरियत चल रही है, ये आइन का कोई इसमें ख्याल है ना, इस पर कोई अमल कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। और इसको इलेक्शन से हम ठीक नहीं कर सकते, ये कि इलेक्शन होगा, यही गवर्नेंस का सिस्टम होगा, यही पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। लिहाजा जो मैं जो समझता हूँ, इसमें हमारा एक सिस्टम कलेप्स हो गया, इस सिस्टम को हमें ठीक करना पड़ेगा। और ये जब मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ, मैं एक सीधा साधा आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि ये सिस्टम हमको नहीं चला सकता और गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में इकोनॉमिकली या किसी और तरीके से कि हम इसको बर्दाश्त करें। और अब इसको अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा आगे जाकर। और इसको एड्रेस करने का तरीका इन पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं मिलेगा आपको। इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी में इतना विल, पॉलिटिकल विल या कैपेसिटी या कॉम्पिटेंस नहीं है कि ये जिस जगह पहुंचे यहाँ से हमको निकालें। लिहाजा मैं तो बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट किसी तरीके से हम लें। अब जो सुनने वाले हैं वो बोलेंगे कि जी ये मार्शल लॉ है, कोई जुडिशियल मार्शल लॉ है, फलाना मार्शल लॉ है, कोई मार्शल लॉ नहीं है। ये मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमको पहुँचा दिए तो उन एक्सपर्ट्स की मदद से हम बाहर निकल सकते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर लें 3-4 साल के बाद, लेकिन अभी नहीं हो सकता, अभी करना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा। आप कह रहे हैं कि जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं, इसका हल जो है वो ये है कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। ठीक है जी, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट हो 3-5 साल के लिए, और वो सारे हालात जो है, इकॉनमी हो, जो कुछ भी ठीक करने इदारे हैं उनको बिल्ड करना है, वो ठीक करे और वो 3-5 साल रहें यहाँ पे। यही बात है ना? बिल्कुल। अब उसको टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के लाएगा कौन? देखिए जी, पहले इसको लाने की बात तो मैं अपना राय दे सकता हूँ उसमें, लेकिन सबसे पहले तो ये क्लियर हो कि जो लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, जी इंटरफेरेंस हो रही है, ये हो रहा है या वो हो रहा है, जमहूरियत में इंटरफेरेंस हो रही है। आप एक स्टैंडर्ड तो एस्टैब्लिश कर लेना, रेड लाइन तो आप डिसाइड कर लें। एक नाहिल आदमी को आप बुलाकर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस वो कर रहा है और वहाँ पर नॉन इलेक्टेड लोग वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने पॉलिसी दे रहे हैं वगैरह, तो इसको इंटरफेरेंस हम नहीं कहेंगे? ये सेलेक्टिव क्यों है इस इंटरफेरेंस के अंदर? तो मैं तो नहीं समझता इसमें कोई इंटरफेरेंस वाली बात है। ये लाएंगे कैसे, ये तो जो मैं समझता हूँ, इस पर बहुत तरीके होंगे, लेकिन जो रिकमेंडेड एक है जुडिशल एक सिस्टम है, मेरे ख्याल में जुडिशरी जो उनसी है वो इसको पहचान लें कि द कंट्री इज़ नॉट गवर्नेबल एनी मोर, इट्स नॉट गवर्नेबल। आज अगर गवर्नमेंट को आप बंद कर दें तो पाकिस्तान में तरक्की शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ये गवर्नमेंट यहाँ पर रहेगी उतना नुकसान हो रहा है हमारा। तो ये अगर ये पहचान लेते हैं, अगर ये पहचान सकते हैं कि ये एक ये जिस हम ये गुजर रहे हैं, जिस फेज से गुजर रहे हैं, इसको हमको रोकना चाहिए, इसको यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट। तो जुडिशल सिस्टम है जो कि रिकग्नाइज कर सकता है कि हम नॉन गवर्नेबल हैं, और अगर नॉन गवर्नेबल हैं और आर्टिकल 190 तमाम जो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट है दे कम टू असिस्टेंस ऑफ द जुडिशरी, और एक काउंसिल बनाए, काउंसिल में लोग सेलेक्ट करें, अपना टाइम लें, 12-13-14 जो उनसे हैं कोई कैबिनेट एक्सपर्ट्स का सिलेक्ट कर लें, पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है एक्सपर्टीज़ की, और वो भी लोग जो उनसे हैं जो कि पहचाने जाते हैं,
उनको आप बैठा दें फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक मिलिट्री आदमी हो या कोई ब्यूरोक्रेटिक हो, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड जो एक्सपर्ट है वो अपनी, उनको आप मैंडेट देते हैं रिफॉर्म्स करने की. और रिफॉर्म्स हैं डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस, रिफॉर्म्स टू द जुडिशरी, री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन या उसको मॉडिफाई करना, जो रिलीजन को थोड़ा सा सेपरेट. अभी देखें सऊदी अरेबिया ने क्या कहा है, उन्होंने पहचान लिया. आपने कहा कि डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस करें, जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, जुडिशरी को रिफॉर्म करें, रिफॉर्म करें, होम ग्रोन जुडिशरी हो, ज्यूरी सिस्टम हो, कुछ तो हो जिस तरीके से ठीक है, ज्यूरी सिस्टम हो, जुडिशरी उस तरह ठीक हो जाए. तीसरा आप कह रहे हैं कि जनाब ये जो सारा जो सिलसिला है इसको ठीक करने में 3 से 5 साल चाहिए होंगे जी, ऐसे ही है ना जी? मेरा ख्याल, मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ. लेकिन और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, अच्छा ये अगर नहीं होता है, ये अगर नहीं होता है, आप इलेक्शन करवाते रहें, आप जो मर्जी यहाँ पर बैठा दें, मोनार्क बैठा दें, डिक्टेटर बैठा दें, ये पार्टी बैठाएं, वो पार्टी बैठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे पर क्या असर होगा ये जब ये चीजें आप ठीक नहीं करेंगे? यहाँ पर तो इंस्टीट्यूशनल कलैप्स हो गए हैं, तमाम इंस्टीट्यूशन जो से वो नॉन फंक्शनल है, द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन द ड्रेन, सिक्योरिटी एक इशू बन रहा है. तो आप कोई तो किसी वक्त तो संभाले इस चीज़ को. और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मार्शल लॉ लाएं, फौज आए या ये करे या वो करे, एक तरीका है उसको करें. नो पोलिटिकल पार्टी विल एग्री विद मी, इसलिए कि जो भी मैं कह रहा हूँ ना उनकी काबिलियत है, ना उनका विल है इस चीज़ को अब्जॉर्ब करने के लिए, और ना वो चाहते हैं कि ये सिस्टम डिस्टर्ब हो. आप कह रहे हैं वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर, और अगर हम इस तरह अपने आप को फिक्स नहीं करें जी, मैं समझता हूँ कि देर इज नो गवर्नमेंट एंड वी जस्ट फंक्शनिंग ऑन आर ओन. और अगर ये चलता रहे तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होंगे, बहुत ज़्यादा. अच्छा, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो अकाउंटेबिलिटी जनाब यहाँ पे होती नहीं है. देर इज़ वाइट कॉलर क्राइम, और वाइट कॉलर क्राइम होता है, और हमारे जो लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उनके अंदर फ्लॉज है. उन फ्लॉज को एक्सप्लॉयट करते हैं जो भी करप्शन करता है या जो भी गलत काम करता है, उसको एक्सप्लॉयट करता है. जब एक्सप्लॉयट करता है उसको, तो वो ड्रैग होती है सिचुएशन, टाइम गेन करते हैं और वो केसेस ड्रैग होते रहते हैं. अगर ड्रैग होते रहे और फैसले ना आए तो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं. उसका कोई सलूशन है? उसका यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस इकोनॉमी की आपने बात शुरू की थी और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, करप्शन भी है, बाकी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको आपको एड्रेस करना पड़ेगा. लेकिन इसका सलूशन सिर्फ एक के लिए नहीं होगा, ये एक अक्रॉस द बोर्ड सलूशन भी होना चाहिए. यहाँ पर तो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स जो है वो रिलीफ दे सकेंगे? एग्जिस्टिंग कोर्ट्स जो है, जिस तरीके से कोर्ट्स चल रही हैं, वो क्या यहाँ पे इंसाफ कर सकेंगी? वाइट कॉलर क्राइम भी देख लीजिए सामने, और फ्लॉज भी हैं हमारे. आप अभी देख लें जो पंजाब में जो एक सिटिंग जज के साथ क्या हुआ है, आप देख लें क्या हो रहा है, क्या किस किस्म के प्रेशर्स हैं. यहाँ पर पूरा का पूरा मीडिया सिस्टम जो उनसे वो खरीदा जाता है, पूरा का पूरा मीडिया, वो एक अपनी थीम और एक स्टोरी शुरू कर देती है. पहले तो होता था शेपिंग ओपिनियन, अभी तो है शेपिंग ओपिनियन नहीं, अभी तो फेक न्यूज लगातार निकलती रहती है और एक माहौल बनाया जाता है उसके साथ. पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन जो उनसे हाईजैक हो जाता है. आप FBR को देख लें, आप SACP को देख लें, कौन सा इसमें से फंक्शनल है, NAB आप देख लें, विच वन इज वर्किंग एंड ऑल दैट. इसके अंदर जजेस को कौन सी प्रोटेक्शन मिल रही है, कौन सी सिक्योरिटी मिलती है, कैसे वो स्टैंड लें. यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके. एक सिर्फ थोड़ा बहुत फौज में कोई आइडेंटिटी इस वक्त है, वो भी मैं समझता हूँ अगर संभाला नहीं तो ये भी इसी सिस्टम के अंदर बिल्कुल डूब जाएगा. जब जिन सब जब प्रोटेक्शन नहीं है जजेस को, ये फ्लॉज भी हैं लॉ के अंदर और उसको एक्सप्लॉयट भी किया जाता है, तो फिर इसका हल क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कोई है? कोई और अदालत हो सकती है, कोई लगाई जा सकती है कहीं? देखिए, वो तो खुद ही पार्लियामेंट ने कहा है कि जी एक मिलिट्री कोर्ट है. अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, अगेन एन वेरी अनक्वालिफाइड ओपिनियन, लेकिन चूंकि आपने पूछा है और जिस तरीके से चल रहे हैं, और एक नाइल आदमी कुछ 60 गाड़ियों के साथ जाकर वो ओवरवेम कर लेता है कोर्ट को, और कोर्ट डेट पर डेट दे ही जा रही है, और इस तरीके से हम चल रहे हैं. और अगर हम चलना चाहते हैं ऐसे तो ठीक है, अगर इसको जमहूरियत आप कहते हैं और समझते हैं कि ये जमहूरियत है और ये एक्सेप्टेबल है
तो ठीक है, अब इसको चलने दें। ठीक है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो शायद ये पूरा का पूरा केस मिलिट्री कोर्ट को रेकमेंड कर दें। ये इस वक्त मेरे ख्याल में जुडिशरी के बस की बात नहीं है। जिस तरीके से चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, जिस तरीके से लोग खरीदे जा रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहा है कि जुडिशरी जो है मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ रेफर कर सकती है केसेस को? मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन तो ज़रूर है कि इसको आप या तो उसको डील करें इसके साथ, और अगर आप डील नहीं कर सकते तो हैंड इट ओवर द मिलिट्री। ये तो पार्लियामेंट ने खुद मिलिट्री कोर्ट बनाया, इसने मिलिट्री की रिक्वेस्ट नहीं थी, ये मिलिट्री रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन चूंकि खुद पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, तो मिलिट्री कोर्ट आप बना लें, तो ये केस भी आप मिलिट्री कोर्ट भेज दें। पूरे नेशनल इंटरेस्ट में है, खुला होगा, ओपन होगा और क्लियर हो जाएगा, और विद इन आई थिंक मंथ दे विल क्लियर एवरीथिंग। सो व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि अगर प्रेशर्स हैं जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं उनके ऊपर, और पॉलिटिशियंस के प्रेशर्स हैं और कहीं इधर उधर से प्रेशर्स आते हैं और डील नहीं कर सक रही जो अभी की जुडिशरी है, तो मियां नवाज शरीफ के केसेस हों या जो भी केसेस हों बाकी सब पॉलिटिशियंस के, जो इसहाक डार के किसी के भी हों, उनको फिक्स करने के लिए, मतलब कि जल्द अज जल्द फिक्स करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को रेफर कर दिया जाए, तो आपकी नज़र में बेहतर होगा? मैं समझता हूँ, और उसमें बेशक अपने एक्सपर्टीज डाल दें उस पर वहाँ पर, और ओपन ट्रायल हो, अपने ओपन ट्रायल खुला मिलिट्री कोर्ट ओपन ट्रायल, नॉट इन कैमरा। अगर जुडिशरी समझती है दैट जस्टिस कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस, तो फिर उसका कुछ हल निकालें या फिर मिलिट्री कोर्ट्स को दे दें। लेकिन इस तरीके से अगर चलता रहेगा और हम अगले इलेक्शन के लिए वहाँ पर तैयार हो जाते हैं, तो मुझको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो उनसे इस किस्म का सिस्टम बहुत अरसे के लिए बर्दाश्त कर सकेगा। इसलिए कि इसमें मुझे कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रही, इकोनॉमिक रिलीफ नज़र नहीं आ रही, सिक्योरिटी एलिमेंट्स में जो उनसे है उसमें कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रही। देर इज लार्ज पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन विच आर अनहैप्पी, उसको कैसे आप, सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू दैट, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है इनके अंदर, ये और भी बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं जी मैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और सवाल आते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। द होल थिंग हैज टू गो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ तरक्की हो, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके ऊपर लोगों की बहुत क्रिटिसिज्म होगी कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो सी है वो मार्शल लॉ है, जुडिशियल मार्शल लॉ है, मैं इस मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा, खुद आप पहचाने कि किस हालात में से हम गुजर रहे हैं, क्या आप पाकिस्तान को ठीक नहीं करना चाहते, और आप समझते हैं कि इस सिस्टम से ठीक होगा, इसी सिस्टम से जिसमें एक नाइल आदमियों के साथ जाकर कोर्ट को ओवरवेम कर लेते हैं, इस पे से हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं समझ आती कैसे हो गई। तो ये मैं एक मायूसी से मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट है वो एक काउंसिल बना ले, काउंसिल ऑफ एल्डर्स कह लें, प्रोविंसेस के कोई रिप्रेजेंटेटिव हों, उसमें कुछ इंटेलिजेंस के लोग हों, कुछ जिनसे हर एक इंटेलिजेंस के, मैं कोई ISI MI की बात नहीं कर रहा, सिविल इंटेलिजेंस के वो उनके डिस्पोजल पर हों, और डिस्पोजल पर कम अज कम हों, और इस तरह के कोई रिकग्नाइज लोग जो कि ये नॉमिनेशन शुरू करें, और ये नॉमिनेशन कुड बी 60 कुड बी 100, और वो ये जो काउंसिल है उनकी इंटरव्यूज करे, उनको उनका बैकग्राउंड चेक करे थ्रू देयर इंटेलिजेंस, और सारा कुछ करने के बाद दे शुड यू नो सिलेक्ट अबाउट 12 पीपल और 13 पीपल और 15 पीपल। तारिक खान मेरे साथ मौजूद हैं जी, और कुछ और सवालात ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे और उन्हीं को लेके आगे चलूंगा। ये जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आए और 3 से 5 साल रहे और सारी चीज़ें, सारे इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमी, सब चीज़ें फिक्स करे और उसके बाद चली जाए, उसके बाद कौन सा सिस्टम होना चाहिए? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होना चाहिए देन अगेन, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? उसमें मैं ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है। जो मैंने अभी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की है, इसलिए कि मैं तो ज़ाती तौर पर तो बहुत मायूस हूँ, इसलिए कि मुझे इस वक्त इस सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हम इसमें से कोई चीज़ निकालेंगे और पाकिस्तान स्टेबलाइज हो जाएगा। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अंदर इतनी नेपोटिज्म है, इतना पोरोकलिज्म है, इतना करप्शन है कि उसने अपनी एक दुनिया बना ली है और वो एक अपना एक सिस्टम बना ली है, और उस सिस्टम को अभी हम एक कन्वेंशनल सिस्टम से चैलेंज नहीं कर सकते। लिहाजा द होल थिंग हैज़ टू गो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ तरक्की हो, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके ऊपर लोगों की बहुत क्रिटिसिज्म होगी कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो सी है वो मार्शल लॉ है, जुडिशियल मार्शल लॉ है, मैं इस मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा, खुद आप पहचाने कि किस हालात में से हम गुजर रहे हैं, क्या आप पाकिस्तान को ठीक नहीं करना चाहते, और आप समझते हैं कि इस सिस्टम से ठीक होगा,
इसी सिस्टम से जिसमें एक नाइल आदमी 60 गाड़ियों के साथ जाकर कोर्ट को ओवरवेम कर लेते हैं, इस पे से हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं समझ आती कैसे होगा ये। तो ये मैं एक मायूसी से मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे से अग्री नहीं करेगी, इसलिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को सबको डायरेक्टली हेट करते हैं, लेकिन इसका और कोई हल नहीं है मुझे नजर आ रहा। कौन हो सकता है जो इस सारे सिस्टम को लेके आगे चले, या कौन इसकी सिलेक्शन कर सकता है, या किस तरह इसकी सिलेक्शन होनी चाहिए? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 6 लोग हो, 12 लोग हो, 15 लोग हो, जो भी हो, उन फिगर्स डोंट मैटर, लेकिन उसमें से कौन सिलेक्ट करे कि दीज आर द राइट पीपल? मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक काउंसिल बना ले, काउंसिल ऑफ एल्डर्स कह लें, प्रोविंसेस के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उसमें कुछ इंटेलिजेंस के लोग हों, कुछ जो उनसे हर एक इंटेलिजेंस के, मैं कोई ISI MI की बात नहीं कर रहा, सिविल इंटेलिजेंस के उनके डिस्पोजल पर हों, और डिस्पोजल पर कम अज कम हों, और इस तरह के कुछ रिकग्नाइज लोग जो कि ये नॉमिनेशन शुरू करें, और ये नॉमिनेशन इट कुड बी 60, कुड बी 100, और वो ये जो काउंसिल है उनकी इंटरव्यूज करे, उनको उनका बैकग्राउंड चेक करे थ्रू देयर इंटेलिजेंस, और सारा कुछ करने के बाद दे शुड यू नो सिलेक्ट अबाउट 12 पीपल और 13 पीपल और 15 पीपल जो समझते हैं, जो कि ये सिस्टम करे। लेकिन इसमें मैं तो अपनी एक राय दे रहा हूँ, देर कुड बी मच बेटर वेज ऑफ डूइंग इट, देर आर बेटर वेज ऑफ डूइंग इट। देखिए जी, ये अभी इस वक्त आप एक आउटलाइन दे रहे हैं, मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ। अभी एक लोगों को जो समझ नहीं है, आईन आईन की बात कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनते हैं टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट। ये लोगों को क्लियर नहीं है इस चीज का, एक कोडिफाइड होता है, बाकी मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। और उसमें कुछ मुल्कों ने अपना एक कानून बनाया, जुडिशियल रिव्यू, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कोई अमेंड करता है तो द सुप्रीम कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू नॉक इट आउट। अच्छा, जर्मनी के अंदर है, दीज आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ये कोई डिक्टेटर्स ने तो नहीं बनाया ये कानून, लेकिन ये हमारा जो आईन है इसका लोग समझते हैं कि ये इट इज टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट, इट इज नॉट टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट। आईन है एक सेट ऑफ रेगुलेशंस के गवर्नेंस कैसे होती है, और इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहां पर आईन अमेंड होती है फॉर वन मैन, और ये सिस्टम अभी हमको ठीक करेगा? तो इसको अगर आप नहीं बदली करते, इसको आप चेंज नहीं करते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे कि आईन जो होता है वो अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, हुकूमत से। यस, इट इज, दैट इज द पर्पस। अभी इंग्लैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर तो डिफरेंट लेजिस्लेशन वगैरह जोड़ छोड़ कर वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन चलाते हैं, कुछ में रिटन है। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या बिगेस्ट इज इन इंडिया, शॉर्टेस्ट इज इन पता नहीं कोई मनाको शनाको में है, लेकिन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बनते हैं कि एक गवर्नमेंट किस रेगुलेशन के तहत काम करेगी और लोगों का प्रोटेक्शन कैसे होगा उस गवर्नमेंट से। यू कांट मेक बैड लॉज अगेंस्ट द पीपल। इस तरह तो नहीं आप आईन तब्दील करें अपने लिए, गवर्नमेंट के लिए, ये तो कोई तरीका नहीं है, दुनिया में कोई तरीका नहीं है। और हम ये भी कर रहे हैं, हम कानून बना रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, 450 सीट्स के लिए, और ये किस तरीके से चलेगा कि आप लेजिस्लेशन को पैसे देते रहें और वो डेवलपमेंट करेंगे? कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब MNAs MPOs को आप पैसे देते रहे, उनको पूछने वाला नहीं है, पैसे कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं, ये आईन के खिलाफ है। हाउ आर यू डूइंग दिस, ना ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? ऑपोजिशन भी चुप है, ये पॉलिटिकल पार्टीज ये इस तरह का रिफॉर्म नहीं ला सकते। इसलिए ये जो टेक्नोक्रेट मैं सजेशन दे रहा हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे एग्री नहीं करेगी, इट गोज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। आप खुद सोचें कि लेजिस्लेटर बैठा हुआ है वहां पर, उसको पैसे दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिश्वत के तौर के ऊपर कि आप डेवलपमेंट कर लें, और क्या है, रिश्वत ही है ना। और ये फिर कहते हैं कि हम ये मुल्क चला रहे हैं, आईन के मुताबिक चला रहे हैं। टैक्सेशन जो उनसे है वो एक आदमी बैठकर खुद ब खुद ही आर्बिट्री डिसाइड करते हैं कौन सा टैक्स लगाना है, इट हैज टू पास थ्रू पार्लियामेंट। ये तो नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन रोज हो रही है, कोई उस पर ध्यान नहीं है, और उस पर जहां पर उनको दर्द करता है उधर की जो वायलेट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हुआ है, वो हुआ है, इंटरफेरेंस हो रही है, नायल आदमी जो उनसे इंटरफेयर कर रहा है, पूरी कैबिनेट उठाकर लंदन ले गया, पाकिस्तान हैड नो गवर्नमेंट फॉर 24 आवर्स, और वो इट्स ओके। ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है, ये कैसे चलेगा मुल्क?
और इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सोच नहीं है, यही जमहूरियत चल रही है और इलेक्शन कराएं। तो मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जहाँ पर पाकिस्तान इस सिस्टम के अंदर ठीक हो सकता है। अच्छा, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, आपने कहा जी कि जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, पॉलिटिशियंस जो है अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो करें, ठीक है, लेकिन उसमें रिलीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे फ़ख्र है मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम को फॉलो करता हूँ और मुझे उम्मीद है बाकी भी करते हैं। हम लोग रिलीजन को एक्सप्लॉयट करते हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं रिलीजन को, उसको अगर आप पॉलिटिकल एक कलर दे देते हैं तो वो रिलीजन तो नहीं हुआ, वो एक्सप्लॉयटेशन है। और फिर आप जब रिलीजन ले आते हैं पॉलिटिक्स में, आप किसकी बिलीफ ला रहे हैं? यहाँ पर तो शिया भी है, सुन्नी भी है, यहाँ पर बरेलवी भी है, देवबंदी भी है, एक दूसरे को मार मार कर हमने यहाँ पर हशर कर दिए एक दूसरे का, तो ये किस लिए किए, क्यों किए, ये किस इजाज़त से हम कर रहे हैं? मुझे तो जो समझ है जो उसके अंदर ये हकूकुल अल्लाह और हकूकुल अबाद पर बात करें, और अगर हकूकुल अल्लाह पर बात करनी है तो वो तो अल्लाह ताला ने किसी को इजाज़त नहीं दी कि आप उंगली उठाएं और आप बताएं कौन मुसलमान है कौन नहीं है, वो तो अपने पास रखा हुआ है उन्होंने, ये वो खुद ही सजा देगा या रिवॉर्ड देना है किसी को। ये जो हकूकुल अबाद की बात है उस पर बात करें ना, जिस पर लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ये चीज़ें हैं जिस पर हम जोर नहीं लगाते, तो हम इस काबिल ही नहीं है कि हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में डालें। हमारे में वो कमज़ोरियाँ हैं जो बाकी दुनिया में हैं और उन्होंने पहचान लिया है और इसीलिए अपना रिलीजन उन्होंने अलहदा कर दिया है। आप ज़रूर अच्छा आप अपना रिलीजन फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया ने क्या किया, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस कर दिए कि वो करेंगे। हम क्या सऊदी अरेबिया के साथ चलें कि उनके खिलाफ चलें? और अगर उनके खिलाफ चलेंगे तो आपका यहाँ पर ये बन जाएगा आपका रिलीजन। बता दीजिएगा व्यूअर्स को कि क्या अनाउंस कर दिया सऊदी अरेबिया? वो सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया कि वो अलहदा एक बिल्कुल उन्होंने समझते हैं कि इतने सालों पर गलत एक लाइन पर गए हैं और रिलीजन को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक दिया था, हैसियत दी थी सियासत में और गवर्नेंस के अंदर, और उन्होंने उसको अलहदा करना है और अब ये चीज़ पर अमल करना शुरू हो गए। और इसके साथ साथ क्या आपके ख्याल में ईरान भी ऐसा करेगा? ईरान ने अभी तक ऐसी कोई बात की नहीं है, लेकिन अगर ये सऊदी अरेबिया ये करता है तो उनके दरमियान में रिप्रोचमा, उनके दरमियान में एक मीटिंग ऑफ माइंड्स अगर हो जाए तो शायद सारे लोग थोड़ा सा ये अपने फॉरेन पॉलिसी और अपना जो सा है पॉलिसी के अंदर रिलीजन को थोड़ा अलहदा कर लें। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप दीन को आप फॉलो नहीं करें, आप इंडिविजुअल सेंस में करें जैसे भी है, एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। अगर ईरान भी ये स्टेप ले लेता है जैसे सऊदी अरेबिया, तो डू यू थिंक के कई मुल्कों में इंक्लूडिंग आज प्रॉक्सी वॉर्स बंद हो जाएंगे? प्रॉक्सी वॉर तो बंद होनी चाहिए और हमको बंद करना चाहिए। अगर तो ईरान ये कर लेता है, फिलहाल तो हाइपोथेटिकल है, सऊदी अरेबिया ने अभी तक किया नहीं है लेकिन अनाउंस किया है। तो जहाँ पर ये अभी ट्रेंड एक चल रहा है तो ये हम भी कह रहे थे शुरू से कि ये हमको करना चाहिए थोड़ा बहुत। एक पॉलिटिकल चीज़ एक रिलीजन से बहुत कम है, रिलीजन बहुत ऊंचा है, उसका दर्जा है, उसको यहाँ पर हमको इस किस्म की चीज़ों में नहीं डालना चाहिए पॉलिटिक्स वगैरह में। अच्छा, एक और यू टर्न लिया है सऊदी अरेबिया ने और उसने अपने डिप्लोमेटिक टाइज शुरू कर दिए हैं तेल अवीव से, सो हाउ शुड वी गो अबाउट इट? हमारा जो उनसा पाकिस्तान के कुछ फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट्स हैं और अगर तो हम आइडियोलॉजिकल वजह से हम इसराइल से यानी कि कट ऑफ रहते हैं, रिकगनाइज नहीं करते, तो वो तो एक गलत किस्म की चीज़ है। लेकिन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट्स हैं पैलेस्टाइन के साथ वगैरह वगैरह, तो अगर उस सिलसिले में हमने इसराइल के साथ अपनी उसकी रिकग्निशन ऑफ वगैरह वगैरह टाई अप किए तो वो एक फॉरेन पॉलिसी डिसीशन है जिन्होंने भी फैसला किए। लेकिन जब आप इसराइल को देखते हैं और हिंदुस्तान को देखते हैं, एक मुल्क है जिसने कश्मीर को अनजस्टिफाइड इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ पर लोगों को मार रहे हैं, 700,000 ट्रूप्स वहाँ पर हैं, बांग्लादेश हमारे साथ उसने जंग लड़कर और बांग्लादेश को उन्होंने टेररिज्म और सबवर्शन और सबोटाज के थ्रू हटाया, हमारी अपनी भी गलतियां थी लेकिन उन्होंने उसको एग्जैजरेट करवाया। अब बलूचिस्तान के ऊपर उनका काफ़ी जोर लग रहा है, वहां पर तो हम आगे पीछे जा रहे हैं, कोई नो प्रॉब्लम। इसराइल जिसने हमें कुछ नहीं किया उसको हमने
लगाया हुआ स्टैंप अपने पासपोर्ट के ऊपर यू कांट गो, तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम को एक लॉजिकल एड्रेस तो उसको करें. अगर पैलेस्टाइन के साथ जोड़ते हैं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसीशन है, ऑल ओके इट्स ओके, जिसने फैसला लेना है वो फैसला ले. आपके ख्याल में ये जो नया ब्लॉक बन रहा है, इसको ब्लॉक कहा जा सकता है जो इस रीजन में पूरा ब्लॉक बन रहा है, रशिया अफगानिस्तान, रशिया चाइना इंडिया पाकिस्तान ईरान, इसमें वर्षे जो मैं इसको देख रहा हूँ अभी, मैं ओमान में भी वहाँ पर गया हुआ था ट्रैक टू के लिए. ट्रैक टू इट्स नॉट अ ट्रैक टू कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हम अफगानिस्तान पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह के रिलेशनशिप वगैरह देख रहे थे. तो उसमें इट वाज अ फ्यू डेज तो कॉन्फ्रेंस काफ़ी इंटरेस्ट, 75 डेलीगेट्स थे. उसमें भी ये चीज़ निकली थी कि एक यहाँ पर जो हो रहा है ये एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन जो हो रहा है, कैन कुड हैव बीन अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन. अच्छा. लेकिन कॉम्पिटिशन होने की वजह से चाइना एन इमर्जिंग मिलिट्री इकोनॉमिक पावर, रशिया इमर्जिंग मिलिट्री पावर, पाकिस्तान एंड टर्की, ये एक ब्लॉक बन रहे. हर एक के अपने अपने इसके अंदर फायदे हैं. एक ब्लॉक बन रहे हैं अफगानिस्तान इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स. अच्छा, ये जो ब्लॉक बन रहे हैं चार, दिस इज सी पैक ओरिएंटेड. इसकी कनेक्टिविटी है विद अफ्रीका मिडल ईस्ट यूरोप और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ कनेक्टिविटी है. एक ग्लोबल इम्पैक्ट है इसका. इस पर काफ़ी सारे लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, बनना चाहेंगे. दूसरा जो है अफगानिस्तान में, वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स वो एक जंग हार गए, ऊपर से इंडिया जिसका अफगानिस्तान के साथ कोई स्ट्रेटेजिक ताल्लुक नहीं है, वो बनाना चाह रहा है लेकिन है नहीं. अच्छा. और एक अफगानिस्तान है जो कि अभी तक 50% तो गवर्नमेंट जिनसे वो कंट्रोल करती है, 50% उनके कंट्रोल में है ही नहीं. ठीक. ये तीन जिनसे हैं, ये तीन जिनसे मेरी तरफ से दे आर ऑल वेनिंग पावर्स और लूजिंग पावर्स. अच्छा. और अब ये कंपटीशन के अंदर जिनसे है, हर चीज़ करेंगे ताकि सीपैक सक्सीड नहीं हो. अच्छा. उसमें कभी गिलगित बल्तिस्तान पर जोर लगाएंगे, कभी बलूचिस्तान पर कोई जोर लगेगा, कभी पाकिस्तान की न्यूक्लियर केबिलिटी पर जोर लगेगा, कभी टेररिज्म के ऊपर शोर मचेगा, डू मोर के ऊपर शोर मचेगा, एंड इट इज ऑल सीपैक ओरिएंटेड. तो ये एक मुझे जो रीजन में नजर आ रहा है ये हो रहा है. तो ये इस पे कितना प्रेशर माउंट किया जाएगा पाकिस्तान पे, और क्या हम सस्टेन कर सकेंगे वो प्रेशर? वो भी पाकिस्तान मेरे ख्याल में, एंड अगेन आई एम नो एक्सपर्ट सेइंग दिस, लेकिन पाकिस्तान के हाथ में भी थोड़े बहुत कार्ड्स हैं. मैं समझता हूँ पाकिस्तान कैन इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग, हम कॉम्पिटिशन में नहीं जाना चाहते. इसमें जो हिस्सेदार होना चाहता है सीपैक में उसका अपना फायदा हो गया, व्हाई आर वी फाइटिंग इट? सो इंस्टेड ऑफ लाइक कंपीटिंग, यू वांट पाकिस्तान टू बी प्ले अ रोल ऑफ कोऑपरेशन. लेकिन पाकिस्तान की रेलेवेंस आप देख लें, दुनिया में रेलेवेंस क्या है पाकिस्तान की, आप कोशिश करें ढूंढने की. इट्स गॉट ओनली वन रेलेवेंस, इट्स अ ट्रेड कॉरिडोर. ठीक है, ये लगता है कि बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ी चीज है. बींग अ ट्रेड कॉरिडोर, इट्स गॉट, इसकी जो कनेक्टिविटी पैनामा कैनाल से ज्यादा है. अब पूरा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक 1/5 जो है दुनिया की मिनरल्स, उसका ऑयल एंड गैस, ये टापी गैस जो उनसी है 30 बिलियन का प्रोजेक्ट, इस तरह की जो कनेक्टिविटी है आप यूरोप और अफ्रीका मिडल ईस्ट के साथ कर सकते हैं. ग्वादर जो उनसे है, जिसका चाबहार से बार बार वो कोशिश करते हैं इसको कंपेयर करने के लिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ग्वादर की कैपेसिटी जब ये तैयार हो जाए, इसका जो लोड हैंडलिंग कैपेसिटी है तमाम इंडियन पोर्ट को अगर आप जमा कर लें फिर भी उससे ज़्यादा है. अच्छा. हाँ, तो चाबहार और उसका आपस में मुकाबला नहीं है. वो बार बार उसको अभी खुश कर रहे हैं, एक दो साल के लिए खुश रहें, ये जब तैयार हो जाएगा तो चाबहार की कोई रेलेवेंस नहीं होगी उसके कंपेरिजन के अंदर. कब तक तैयार हो जाएगा ये? इसका फुल कैपेसिटी तो 2030 में कहीं होगा, लेकिन ये इसका असर तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट 3-4 ईयर में इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा. सबसे बड़ा जो पोर्ट है दुनिया में इस मियामी लॉन्ग बीच जिसको कहते हैं, वो है 80 मिलियन टन, उससे ज़्यादा है. तो ये जो बातें कर रहे हैं वो इट्स जस्ट चाइल्डिश टॉक. अब ये पाकिस्तान की रेलेवेंस है और ये छोटी रेलेवेंस नहीं है. हमारी रेलेवेंस न्यूक्लियर पावर होने में नहीं है, हमारी रेलेवेंस को मिलिट्री पावर में होना नहीं है, हमारी रेलेवेंस है एज अ ट्रेड कॉरिडोर. इसके अंदर इंडस्ट्री भी आ सकती है, लॉजिस्टिक्स भी आ सकती है. आर वी हैंडलिंग इट ऑल राइट? आई डोंट थिंक सो. इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पब्लिक इसमें बहुत जरूरी है. पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसकी डेस्टिनी इसी के ऊपर है.
और पाकिस्तानी पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये पता होना चाहिए, इट शुड बी एवरीवेयर, एवरीवन शुड नो इसमें क्या 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 चीजें कर रहे हैं। पहले भी आपसे पूछा था, इसको इतना कैमोफ्लेज क्यों रखा हुआ है सब चीज को? इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट्स। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये सहीवाल का जो उन्होंने बनाया है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स का एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ये हमेशा समुंदर के ऊपर आप लगाते हैं पोल्यूशन की वजह से, अगर आपने लगाना भी है। इन्होंने सहीवाल में लगाया जहाँ पर कोयला ही नहीं है, तो कोयला जो उनसे है वो आएगा इम्पोर्टेड कोल समुंदर से। उसके हैं मेरे ख्याल में 9 ट्रेन्स डेली, हमारे पास टोटल 14 ट्रेन्स हैं, ये रोलिंग स्टॉक 14 गुड्स ट्रेन है, 9 ट्रेन डेली सहीवाल जाएंगी। इसको देखने के बावजूद, इसको लगाने के बावजूद, हमने अभी दूसरा वाला जंग में भी शुरू कर दिया। ठीक है ना, बिल्कुल इन सेंटर ऑफ पाकिस्तान पंजाब के अंदर यू आर गोइंग टू हैव द मैसिव पोल्यूशन ऑफ कोल, और ट्रेन जो उनसे हैं सारे यहाँ पर चल रहे होंगे और कुछ नहीं होगा। मना इसमें मुझे समझ नहीं आती, ये चीज़ें बताएं ना, लोगों को बताएं ताकि वो देखें इसको, अपनी राय तो दें लोग, अगर इनको चीज़ ये पसंद है तो वाई नॉट, दिस इज वॉट पाकिस्तानी इज लाइक, लेट इट बी लाइक दिस। लेकिन मेरे ख्याल में मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को नहीं समझ आएगी कि क्या इम्पैक्ट क्या तो बताएं ना, ये तो काम है हुकूमत का, गवर्नमेंट की जब बात करते हैं वो यही है ना कि वो एक डिबेट, एक डिस्कशन। आप कह रहे हैं ना यहाँ पे गवर्नमेंट है ही नहीं है, वो तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये भी नहीं कह रहा गवर्नमेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट को आप बंद कर दें इस वक्त तो पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर देगा। वी आर सर्वाइविंग डिस्पाइट द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ इट। अपना नैरेटिव कहीं भी बाहर नहीं निकाल सकते। देखें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अफगानिस्तान में जो मसले मसाइल हो रहे हैं, बाकी जो सिक्योरिटी के इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पर, पेट्रियस CIA का डायरेक्टर, उसने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ इनस्टेबिलिटी क्रिएट की है अफगानिस्तान में। मैटिस सिटिंग राइट नाउ अभी गया था इंडिया, उसने उनको वार्न किया है कि आप ज़रा TTP के ऊपर हाथ हौला रखें, आप ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चक हेगल, उसने स्टेटमेंट दी थी, ये सेक्रेटरी डिफेंस, उसने स्टेटमेंट दी थी कि जी इंडिया जो उनसे है ये ऐसी चीज़ें करता है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं, उनको की कोशिश करते हैं। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि हम यहाँ से निकल गए और हमने छोड़ दिया पाकिस्तान को अकेले आफ्टर द सोवियत कलैप्स, और वो उसको संभाल नहीं सके, उसने ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें पब्लिक लिखी। हम ये भी नहीं कहते हमारी ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं बहुत वीक है, इट डजंट एग्जिस्ट, इट सीम्स एज इफ नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, एवरीबडी इज पासिंग हिज टाइम।